हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें हमारी कुलदेवी के पास जाना है और वहाँ पे हमें हवन करवाना है। सुबह सुबह ही जो है हम पहुँच गए हैं हमारी कुलदेवी के मंदिर में, शैलजा माता का जो मंदिर है। तो यहाँ पे हम आगे सुबह, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से ऐसे ही 7-8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो एक्चुअली में पूजा जो है वो मेरे जो ससुर जी हैं, मतलब डैडी बोलते हैं हम इनको, तो इनके हाथों से होनी थी। बट आपको पता ही है कि जब हवन वगैरह होता है तो पूरी फैमिली भी जो है पूर्णाहुति दे सकते हैं। तो हम लोग गए थे तो सोचा कि चलो चले जाते हैं साथ में। गुड मॉर्निंग होगी कि गुड आफ्टरनून, अभी तो 11 बजे हैं, गुड मॉर्निंग की है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी हम मंदिर से आ गए, जैसे कि आपने देख ही लिया, और अब हम बनाएंगे खाना, क्योंकि सुबह सिर्फ हलवा और ये जो सूखे वाले चने होते हैं ये बने। अब जो चने हैं कुछ बॉयल करके रखे, उनको हम तड़का लगाएंगे। अब लहसुन प्याज वाला तड़का लगेगा, सुबह तो सिर्फ जीरे का तड़का लगा था। फटाफट तैयारी करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है। तो ये तो आपको पता ही है कि जब भी मंदिर जाते हैं तो हम पहले भूखे पेट ही जाते हैं, और सब लोग हम बिना खाए ही गए थे। बस बच्चों ने दूध पिया था और हम लोगों ने चाय पी थी, उतना ही था। बाकी उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने बोला कि काले चने जो है वो बॉईल करके रख दिए थे, उसमें से आधे चने जो है वो हमने प्रसाद के लिए बनाए थे, जिनको सिर्फ जीरे का तड़का दिया जाता है, घी और जीरे का। तो वो हमने मंदिर में भी प्रसाद में बांटे, और आके जो है फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ही फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, तब तक मम्मी जो है बाकी काम देख लेंगे। और बच्चों का ये था कि बच्चे अपने दादा के पास और पापा के साथ बाहर मतलब आराम से खेलते भी रहते हैं, तो उसी चलते मतलब हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये जो प्याज लहसुन अदरक है इसको एक बार मिक्सी में ही कर लेते हैं, मतलब ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी भी थी, और फिर आपको पता है कि प्याज को अगर चॉप करो तो फिर उसको पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैंने इनकी जो है प्योरी बना ली थी, और बर्तन वगैरह भी हम जो सुबह के ऐसे ही छोड़ के गए थे वो खाली कर रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब सारा काम जो है साथ साथ में चल ही रहा है। और यहाँ पे तड़के के लिए जो है मैंने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। और सुबह भी पहले मम्मी बनाने लगे थे चने, फिर बाद में मैंने कहा कि लाओ मैं ही बना देती हूँ। हलवा भी मम्मी ने भी आधा ही बनाया था, उसके बाद फटाफट से तैयार होके मैंने हलवा, उसमें जो है हलवा भी आधा बना था, आधा मैंने बना दिया। और यहाँ पर हमारा जो हमने मसाला रेडी किया तड़के के लिए वो मैं दिखा रही हूँ। तो मम्मी अक्सर अपनी जो ये मसालेदानी होती है उसमें जीरा और धनिया एक साथ ही डाल देते हैं, तो मैंने भी एक साथ ही जैसे जितना मेरे हाथ में आया वैसे मैंने डाल दिया। और यहाँ पे ऐड कर दिया है जी हींग। और वैसे तो मैंने आप लोग साथ बहुत बार रेसिपी शेयर की है, मैंने कहा चलो बन रहा है तो फिर से शेयर कर ही देते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, और आजकल की हरी मिर्च जो है अभी उतनी तेज़ नहीं है, कुछ कुछ तेज़ हो जाती है, कुछ एकदम फीकी फीकी सी हो रही है, बट जैसी भी थी दो तीन डाल दी। और यहाँ पे ये प्याज जिसका हमने ग्राइंड कर लिया है उसको ऐड कर लेंगे। ऐसे करके ना प्याज थोड़ा जल्दी पक जाता है, और एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना उनके थोड़े से नखरे, उनको ना ये जो प्याज और टमाटर की हम प्योरी बना देते हैं ना, उनको ये इस तरीके के तड़के अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए आपने मुझे देखा होगा कि अक्सर जो है मैं प्याज वगैरह चॉप करके ही डालती हूँ, पर आज मैंने कर दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं एक आधी बार चलता है। तो यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और थोड़ी हल्दी भी डाल रही हूँ। वैसे तो हमने पहले बॉईल करते हुए भी ऐड किया होता है ये सब कुछ, पर चलिए कोई नहीं दोबारा कर देते, क्योंकि हल्की फुल्की सी कसर जो है वो रह जाती है। तो प्याज को जो है अभी अच्छे से भून लेंगे हम, और ये देखिए प्याज जो है हमारा अच्छे से भून चुका है, और इसमें से तेल जो है ना वो अलग हो रहा है अब। तो बस अभी हम इसमें ऐड करने के, हमने जो टमाटर की प्योरी बना रखी है वो, तो टमाटर प्योरी भी रेडी कर दी है, और सॉरी रेडी तो पहली हो गई थी, मतलब तड़के में मैंने ऐड कर दिए। कई बार ना बोलते बोलते मैं आपको बताऊँ, मुंह से कभी भी कुछ भी निकल जाता है, और फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हो कि आपने ये नहीं ये बोला, जैसे अक्सर बेसन को कुछ और निकल जाता है मुँह से, मतलब होता रहता है। तो बस अभी ये मसाला है इसको भी पका लेते हैं। और ये रहे हमारे चने, जिनको मैंने थोड़ा सा ना जो कुंडी वाला जो डंडा होता है उससे थोड़ा सा मैंने इनको बीच बीच में से ऐसे क्रश सा कर लिया था, मैश कर लिया था, मतलब क्रश बोल रही हूँ, मैश कर लिया था। और अभी मैंने इसमें पानी वानी डाल के अच्छे से अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए काढ़ेंगे, और फिर हम अब खाना खाएंगे आराम से बैठ के। बात तो ठीक लगती है तेरे को सारी, पर तू फॉलो वही करता है जो तू करना चाहता है। उर्वी तो जी दोपहर का अभी आई थिंक 1 बजने वाला है,
12:40 हुए हैं अभी, लंच ब्रंच लंच व्हाटएवर हो चुका है हम लोगों का, और सब लोग जो है सो भी गए, आदित्य सो गए, उर्वी सो गई है, नीरज भी रूम में लेट गए और मेरे हाथ काले काले क्योंकि मैंने तवा ना नीचे की तरफ से अच्छे से रगड़ के धोया है इसलिए। तो अभी किचन जो है वो भी मैंने क्लीन कर दिए, मतलब जो बर्तन धुलने वाले थे वो धो दिए, अभी इनमें जैसे कुछ कुछ बचा हुआ है वो है, और ये भी गर्म है तो जब चाय का टाइम होएगा शाम के टाइम मतलब 3 बजे करीब, तब ये सारा सामान मैं उसमें डाल दूँगी, शिफ्ट कर दूँगी कुछ छोटे छोटे बर्तन में, और फिर इन बड़े बड़े बर्तन को धोऊँगी। 2 कढ़ाई ही बची है, एक में हलवा रखा है और एक में चने रखे हैं, और बाकी तो मैंने क्लीन कर दिया। बाहर हॉल जो है वो भी क्लीन करने के लिए मम्मी कहीं पे यहाँ पे गांव में कुछ जात्रा वगैरह लेके जा रहे हैं सिद्ध जी के पास, तो वहाँ चले गए हैं, तो वो चले गए थे तो उतनी देर में मैंने बर्तन वर्तन सब कुछ, खाना तो हमने साथ में खाया मैंने और मम्मी ने, बट ये काम था करने के लिए किचन वगैरह मतलब बर्तन धोने के लिए था, वैसा कुछ खास तो किया नहीं है मैंने, बर्तन ही धोए बस। ये सारा बिखरा पड़ा है बस ये ठीक करना है, इसको समेटूंगी अभी थोड़ी देर में क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और थोड़ी देर बैठने का मन हो रहा है। और बाहर देखो आप इतनी तेज धूप है ना कि मक्खी तक भी घूम नहीं रही है डर के मारे, इतनी गर्मी है इतनी ज़्यादा। थकान इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे सुबह उठ के फिर पहले मंदिर में चले गए, फिर वहाँ पे बैठे रहे, भी धूप बहुत ज़्यादा थी ना उस वजह से थकान हो रही है, और आते ही फिर मैं खाना बनाने में लग गई तो फिर और ज़्यादा थक गए क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, और अभी खाना इतना ज़्यादा खा लिया है कि अब बिना सोए बिना रेस्ट किए थोड़ी देर कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो मैं सोचूं कि अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में ये जो हॉल है इसको थोड़ी सी सेटिंग वगैरह सही कर दूँगी। तो बस जी मैं भी आ गई अब अपने कमरे में, बाहर का मैंने कर्टन्स वगैरह सारे चढ़ा दिए, और अभी पंखा चल रहा है तो आवाज़ भी नहीं आएगी आप लोगों को, कर्टन्स चढ़ा दिए लेकिन जाली वाला दरवाज़ा बंद है, बस जाली वाला दरवाज़ा बाकी दूसरा खुला है, तो सो जाते हैं थोड़ी देर। अच्छा तो अभी शाम को जाएंगे, आज शांत है वहाँ पे। दही क्या कड़ी और माँ की दाल, कड़ी और माँ की दाल ना, कि दो तो दाल दो तो नहीं है ये बच्चों को खिलाने के लिए। अच्छा सुबह हमारे पास वही होगा कि हमने बोल के सकते हैं चावल में चिल्ल मारना है ना, कड़ी माँ की दाल में ही, और खट्टा मुट्ठा मीठा मुट्ठा रहेंगे रंगे, क्या तो उसने खानी होगी तनु ने। तो जी शाम का टाइम हो गया, चाय पी ली है हम लोगों ने, कब की 3 बजे की, एक और बार में बनती है शाम को चाय, हमने हाई टी नहीं पी। Who said there is no milk? हाई टी का टाइम तो ये वाला टाइम है। We don't have, we are in the lap of the nature with the sunset in my eyes. I want to have a cup of tea in my arms. Arms? To make love with. Cup of tea in your arms? हाँ। अच्छा लिंगू सब्जी रखी कहाँ है मम्मी ने? This is good food. मैं तो लाया था यार ये वाली मलिया भी था यार। हाँ यार। इसको ले चलते हैं, बनाई होंगी। कौन सी फलियां? कौन सी फलियां? लोबिया हाँ, कुछ ऐसी होती है। तो अभी लिंगड़ू की सब्जी बना रहे, डैडी की रिक्वेस्ट है कि लिंगड़ू बनाया जाए। है लिंगड़ू बदल का रखे मम्मी ने, चले गए हैं लिंगड़ू की जो सब्जी है बाहर, पहले उसके बाल जो है वो किसी कपड़े से साफ करेंगे फिर उसको धोएंगे, क्योंकि जो बाल होते ना गीले हो गए ना फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं निकालने, और अगर एकदम फ्रेश फ्रेश कोई जंगल से लाया हो ना जो लिंगड़ू की सब्जी होती है वो, तब तो फटाफट से निकल जाते हैं, और एक ही दिन में ना शक्ल बेशक्ल हो गई, टैनिंग इतनी ज़्यादा क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। तो सब लोग बाहर बैठे हुए हैं अभी, मम्मी तो है नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, सासू माँ मेरी घर पे नहीं है, डैडी नीरज बच्चे बाहर ही है, तो मैं भी बाहर जा रही हूँ और ये पानी लेके जा रही हूँ ताकि हम उनको जो है साथ साथ में धोते भी रहे और उनको कट भी कर लें वहीं पे, और फिर मैं तड़का लगाऊंगी उसको, डैडी का मन है खाने का, वैसे तो आज यहाँ पे गांव में ही धाम भी है, पर चलो बना के रख देते हैं, अभी खाने को तो अभी खा लेंगे, नहीं तो सुबह खाने को तो सुबह खा लेंगे जैसे भी होगा।
तो आज ना मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फूड व्लॉग ही बना रही हूँ, मतलब मेरा फूड व्लॉगिंग चैनल है। तो यहाँ पे लिंगडू की जो सब्जी है कट गई है और ये तड़का जो है प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च सिंपल सा तड़का लग रहा है और पति परमेश्वर जी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टमाटर जो है चॉप कर रहे हैं। आज मैं टमाटर वाला ये बना रही हूँ लिंगडू की सब्जी, अच्छी बनी है वैसे टमाटर वाली भी। तो अभी जो है मैंने टमाटर भी लगा दिए हैं इसको और अभी टमाटर गलने में टाइम लगेगा। पता नहीं टमाटर लगाते हैं आप लोग लिंगडू की सब्ज़ी में कि नहीं लगाते, बट मैंने लगा दिया ताकि थोड़ा सा जो है टेंगी सा टेस्ट आए। मैं बहुत कम लगाती हूँ टमाटर, आज ही लगाया मैंने। वैसे दही वाले भी बनते हैं बट दही खा नहीं, तो फिर टमाटर और ये रही सब्ज़ी। बस थोड़ी देर लगेगी फिर चपाती बनाएंगे और फिर खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। अभी तो वैसे 5:30 ही हुए हैं पर हम लोग सोचे कि डिनर करके निकले क्योंकि कल मेरे को तो उसे जाना है, तो अभी डिनर करके निकलेंगे बस घर जाके। फिर एक ही काम रहेगा हम लोगों को, सोने का बस। तो फिर ये काम करके खा के पी के आराम से निकल के घर जाके सो जाएंगे और सुबह मैं उठूँगी और मैं जाऊँगी ऑफिस। मुझे इतनी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सबकी छुट्टी है, तो ये अपना खुद मैनेज कर लेंगे। पर आटा निकालने आई थी मैं फ्रिज से। लो जी ये लग गया हमारे तड़का लिंगडू की सब्जी को, इसको ढक्कन लगा देते हैं और कम फ्लेम पे, और ये सारा सामान समेटते हैं और रखते हैं चाय बनने के लिए। वो बड़ी अच्छी लगती है बट मोर बहुत नुकसान करते हैं फसल को। तो जी अभी हम लोग दूध लेने आए हैं और दूध लेने के पीछे का बहाना था क्या, डेट मारने जाना था। डेट गया जैसे सड़क का हो गया जंगा है क्या कहलाया मंड के लिए रखे हैं लोग का बोलना भी क्या सड़क होने का फायदा ता है ता जी कोई उससे पहले कोई एड़ी मिलने से बड़े मुश्किल होता मुश्किल है इधर के बच्चे भी इधर के मुश्किल है चलो क्लास करते रहो बात करने लगो तो बीच में शुरू हो जाते हो बैठने नहीं देते यार हमारे बच्चे हमारे को साथ में भी नहीं बैठने देते उर्वी को लगता है कि मेरे से ही बोले आदि तो अब समझदार हो गए क्या बोल रहा पापा क्या बोला उर्वी को रहता है कि बस ये बोले ही ना बस मेरे में चिमड़े रहे और मैं इनको चिमड़ी रहूं। ये देखो हमारे गांव का नजारा रात का और अब हमारा घर भी नजर आ जाता है यहाँ से क्योंकि जब से पेड़ वगैरह कटवाया ना उसके बाद हमारे घर की लाइटें नहीं चलाई है ना अभी तक, अंदर की लाइट जली हुई है बस, वो रहा सामने हमारा घर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है जो वो, बाकी पहले हमारा घर वहाँ था ऊपर, अभी भी है पर जाते नहीं है बहुत कम। ये देखो और ये रहा मेरा पति पाती परमेश्वर परमेश्वर गाय तू परमेश्वर तब गाय ते भी बड़ी गाय बनाई है ऊपर तो पैर था मेरा सूर बनाया था मैंने कैसे बनाया तुम्हारा सूर है ये क्या बात हुई कैसे दिक्कत हुई आपने मेरे को तो परमेश्वर गाय जड़ी ये दिन दे आए धक्का माता मार देना धक्का ना तो जाना तो बोलो ना ये लोग का बोलना भी मेरे को ये वाला स्लैंग बड़ा अच्छा लगता तुम्हारा मतलब यहाँ का ना बहुत बड़ा गड़ा लिया तुमने है पीने के लिए चाहिए ना सिर्फ अच्छा ऐसा तो बचपन में लेते थे हम छोटी छोटी गुड़ियां इतना बड़ा मैं हमारे जो घर पे टोकरी है ना 16 किलो की है वो भी उठा के लाते हैं सोचो बावड़ी की कितनी दूर है अच्छा आप कहां गई हो सकती घड़ा ही नहीं है तो घड़ा ही इतना मैं क्या करूं
नया घड़ा लिया, घड़ा नहीं घड़ भी है। तो पानी पानी जो चली है मत जाती तो बनी तू मेरी है, है मेरी है वो तेरा जे आधा तेरा है। जब शादी जैसी नहीं थी हमारी तब अच्छा था। इतना सुंदर व्यू है ना हमारे घर का वैसे। हाँ है ना, जब वो धोरा दादी थी ना बर्फ वाली छत के ऊपर से, वो ज्यादा सुंदर लगता है। अभी फिर से रख गाड़ी को करने कर रहे ये वापस जा रहा होगा, मोड़ कट रहा होगा। अच्छा वही है जो अभी गया ना। पानी काला ककरा सिलाई के वो सिलाई के तो बन पानी है जो चली है मत चांदी तो बनी तू मेरी है वाय हाय मेरी है वो तेरा जी हाँ दाड़ी है तेरी सो जैसे ग्रहण नहीं होता ग्रहण। कैमरा अच्छा है तुम्हारा यार, चांद आ रहा है, तारा भी आ रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस। एक बार वो डांस भी तो करके दिखाओ फिर, जैसे वो राजस्थान में कर रही थी लड़कियां करती हैं ऐसे ऐसे प्लेट के ऊपर, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के दिखाओ प्लेट के ऊपर। प्लेट लाओ, है ब्लेड भी उठाओगी तुम आंखों से, है आंखों से ब्लेड उठा लोगी तुम, पलकों से सुई ब्लेड। आ, बहुत पैसा है उसमें, सीखो तो। लाइट जलाओ, देखना कहीं गिर जाओ। वो अंदर की लाइट जलाओ भाई, अरे ऊपर से भी जलती है बाबा। बाबा डबल स्विच लगाया, बाबा दिमाग लगाया हमने, ठीक है। झूठ बोलती है नहीं तो जो आप बोलना चाह रहे हो आप बोल सकते हो, आप गलत बोलोगे तो भी करेक्ट कर दिया जाएगा ना आपको। बोलो बोलो बेटे, क्या करते हैं एयर प्रेशर को, क्या करते हैं आपको न्यूटन के गति के नियम पढ़ा है, वो जो सेब सिर पे जो भी रख देता है, यानी जो ऊपर चीज चली आती है नीचे क्यों आती है, ग्रेविटी गति, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। जब हम दौड़ते हैं ना, दौड़ते हैं ना और एकदम रुकते हैं, घटना को आगे क्यों लगता है, अंदर है उसमें है? तो जी हम लोग अभी पहुंचे हैं, एक वो देखो रंग दे केसर घुमारवी, तो यहाँ पे कुछ सामान रखा है तनु का, उसको पिक करेंगे। वैसे भी 9:45 हो चुके हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। रंग दे केसर जो है अभी ओपन हो चुका है घुमारवी में भी, जो कि अदानी घाट के पास है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कोई घुमारवी से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे। अभी न्यू ओपन हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ट्राई आउट कर सकते हैं कि कैसा है खाना, कैसा है कैसा नहीं है।
और ये देखो जी, एक शिफ्ट सो चुकी है, दूसरी शिफ्ट को बोल रहे कि सो जाओ बट पता नहीं। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज, क्योंकि एकदम खाना खाने के बाद हम चल पड़े तो मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा है। और गर्मी देखो, वो तो आप मेरे चेहरे पे पसीने से ही देख सकते हो कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए अब जो है आई थिंक मैं धर्मशाला जाके मिलूँगी, क्योंकि रास्ते में कुछ रात को शूट करने का होगा नहीं, अगर होगा तो मैं शूट करूँगी डेफिनेटली, बट अगर नहीं होगा तो तब कुछ नहीं कर सकते। अभी भी बिजी चल रहा है मुझे लग रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे बाहर। घर से आए हुए हमारे को आज सेकंड डे है, मतलब हम परसों रात को आ गए थे, यानी कि संडे की रात को, तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। आज वैसे ट्यूसडे है बाय द वे, और बाहर आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना भाई साहब, इतनी गर्मी थी। लेकिन अभी ना दिल खुश हो गया, बारिश ने दिल खुश कर दिया, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं और बौछारें ना अंदर तक आ रही है पानी की, मज़ा आ गया, बड़ा दिल खुश कर दिया आज मौसम ने। इतनी तेज़ गर्मी थी ना, मैं बोल रही हूँ 2 दिन से ना सिर में ऐसे इतनी ज़्यादा दर्द थी गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। बट अभी मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया, तो बड़ा मज़ेदार मौसम हुआ है। और अभी तक नीरज ऑफिस से नहीं आए हैं, और हमारे घर पर कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं राजस्थान से, बट उनको मैं ब्लॉग में शूट नहीं करूँगी, क्योंकि सबकी अपनी जो है प्राइवेसी होती है, तो मैं नहीं करूँगी शूट। पता नहीं अभी कब जैसे आएंगे, हो सकता है कि आने वाले होंगे अभी, तो वो भी अभी हम उनको 2-3 दिन उनको होस्ट करेंगे। तो ये है, और तनु घर चला गया, वैसे उसका एग्ज़ाम है और वो घर चला गया कि मैं पढ़ूँगा कैसे, डिस्टर्बेंस होगी ये वो, तो फिर हमने उसको ज़्यादा रोका भी नहीं। मैंने वैसे कोशिश की थी उसको, कल मना किया मैंने, मत जा पढ़ ले, क्योंकि वो लोग घूमने के पर्पज़ से आ रहे, तो दिन में तो उनका पूरा दिन जो है वो घूमने के लिए निकल जाता है, रात में हम लोग सो जाते हैं और रात को ही तनु पढ़ता भी है, तो पर चला ही गया वो। और अभी मुझे लग रहा है कि लाइट जो है वो जाने वाली है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बादल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। बट फिलहाल मेरा जो मकसद था वो था ये कि ये व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।